आज हमारे सामने जो महापुरुष बैठे हैं उनका नाम डॉक्टर ललन पांडे जी हैं और इन्होंने संत साहित्य पर अपना पीएचडी किया है। ये प्रधानाध्यापक से रिटायर्ड हैं और इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने पीएचडी भी किया है और एक संत साहित्य पर इन्होंने डिलीट भी किया है और इनका घर टेरुआ मठ के नज़दीक है। और तो आज इनके सामने हम लोग बैठे हैं और इनसे मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं जो संत साहित्य से संबंधित है, खासकर संत कवि लक्ष्मी सखी के जो साहित्य है, जो उनकी पुस्तकें हैं, जो चार अमर ग्रंथ है, जो भोजपुरी में लिखी गई है, उसी से संबंधित है। तो सर्वप्रथम मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ कि संत कवि लक्ष्मी सखी जी ने कुछ देवी स्तुति भी लिखी है जिसमें मुझे लगता है कि वह अलग तरह की भाषा का उन्होंने उसमें प्रयोग किया है। तो क्या आप उनका ये कोई जो स्तुति है उसको आप सुना सकते हैं? जी हाँ, हाँ सुनाया जाए। जागिए जगबंदनी जे छूटे भव फंदनी, जाको ध्यावे ज्ञानी ध्यानी जनु चकोर चंदनी, भगतन भय भज्जनी उज संजन मनरंजनी, जे में आवागमन मरण छूटे भव फंदनी, मन बच क्रम ज सेवे ताके छूटे झंझमंजनी, काल कड़ाल केहु निकट न आवे मेटे दुख दंदनी, तीन लोक लोभावे जानो शोभा जैसे खंजनी, केहू केहू बाँचे लाजे करेला हरि भजनी। लक्ष्मी सखी के सुंदर पीवा लहर जैसे तच्छनी, झटपट खुल दो गगन के मारी पिया मिलन के जामिनी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर पद में वो क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी सखी के सुंदर पीवा, इसका क्या अर्थ है? अपने को सखी मान कर करके, क्योंकि जीव का अधिकार सिर्फ कांता भाव तक ही है, क्योंकि यह शरीर जो है स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और भाव शरीर है। तो भावे शरीर तक मनुष्य की स्थिति है, जीव की स्थिति है। इसके बाद चिन्मय शरीर है, चिन्मय शरीर में रहने वाली श्री स्वयं राधिका जी हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री सीता जी हैं। तो जीव तो सीता जी तो नहीं हो सकता, जीव राधा जी तो नहीं हो सकता, लक्ष्मी जी नहीं हो सकता, लेकिन उनके समीप रहने वाली, उनकी सहचरी हो सकती है, उनकी अंशभूता होती है, उनकी अंगभूता होती है। और इस रूप में माधुर्य भाव का वह रसास्वादन करती है, अपने को उस लक्ष्मी जी की सखी मान कर करके और उनके जो प्रियतम हैं उनको स्वयं अपना भी प्रियतम कहते हैं लक्ष्मी सखी जी, क्योंकि तहार कंत से ही कंत हमारो। तो अपने को वे स्त्री समझ कर करके, अपने को दासी समझ कर करके, अपने को किंकरी समझ कर करके उन्होंने माधुर्य का रसास्वादन किया है। और परम ब्रह्म परमात्मा जो हैं वे पुरुष स्वरूप हैं, क्योंकि पुरुष सूक्त ही वैदिक मंत्र का पुरुष सूक्त है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य रेक पतिरेव आसित, सदाधार पृथ्वी द्यामुतेषां कस्मै देवाय हविषा विदेन। पुरुष तो एक ही है, परबस जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंत जो है मालिक हैं, सो एक हैं। कर्ता की परिभाषा क्या? स्वतंत्र कर्ता। तो कर्ता को तो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं, प्रकृति के परतंत्र हैं। तो भिन्न भिन्न बीमारियों से परतंत्र हैं। आजकल स्वतंत्रता ऐसी हो गई है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र तो परमात्मा है। इसीलिए उन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा को पुरुष मान कर करके उनके अनन्य सौंदर्य का रसास्वादन करते हुए अपने को उनको दासी मान करके परम ब्रह्म परमात्मा को उन्होंने अनन्य सौंदर्य से देखा है। अच्छा, एक जगह हमने कहीं पढ़ा था उनके कहीं, मतलब कोई
कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो अमर विलास या अमर फरास है, मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक जगह चर्चा किया था कि बारहों मास जहाँ फौरेला आम, ये अमर कहानी का है। अच्छा अच्छा, अमर कहानी का यह पद है। वो कौन हमको नहीं समझ में नहीं आई, वो कौन आम का पेड़ है कि बारहों मास फौर रहा है, है ना, बारहों मास जहाँ फौरेला आमा आ टप टप चुएला दोनों सामा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसको पद के बारे में। हाँ हाँ, यह पद जो है अमर कहानी से है, और उसमें यह पद है अनुज सहित परनामा, हमारे प्रभु अनुज सहित परनामा। तुम बिनु काहू नहीं लहे विश्रामा, अविचल सुरपुर धामा, जे केहु कुल मूल तजि धन धामा, जपत निरंतर नामा, त्रिकुटी घाट करत असनाना, जहाँ ऊ गेला घामा, आ बारहो मास पड़त जहाँ आमा, टपटप चुएला दुनू सामा, ये हमारे प्रभु अनुज सहित परनामा। तो देखिए सर, संतों की ऐसी अनुभूति है कि धर धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा, बाहर में भी सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी जोगी, सो हरि पद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सभी लोगों ने अनुभूति की है कि जैसे एक छोटे पदा एक चावल को टो करके लोग समझ जाते हैं कि पूरे हंडे का चावल पका है कि नहीं पका है, वैसे ही अपने ज्ञान को समझ कर करके संपूर्ण जीवों के ज्ञान मनो प्रवृत्ति पर इनकी प्रवेश हो जाती है। संतों की अनुभूति है कि जो भीतर है वह बाहर है, और विलक्षण चीजें हैं ये, सूक्ष्म शरीर में बहुत विलक्षण चीजें हैं और बाह्य जगत में भी हैं। हमको तो जाने का अवसर मिला है, वह चेन्नई जाते हैं तो वहाँ पर नवंबर दिसंबर में भी बहुत से फले हुए आम को हमने देखा है। तो ये तो बाहर जगत की बात है, और अंतः जगत में इनका कहना है कि वहाँ भी अमृत से रसाल जो पेड़ है तो बारहों मास फल रहा है, और स्वयं उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, वह प्रेम की अनुभूति से प्रेम के वशीभूत होकर के दोनों समय टप 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 चूते रहता है, स्वतः प्रसूत है, स्वतः वह चूते रहता है। इसलिए हे जीवों, तुम भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का रसास्वादन करो, अमर लोक में वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। क्षणं क्षणं यन्नवता मुपैति तदैव रूपम रमणीयताया, वहाँ पर क्षण क्षण में प्रसन्नता फिर प्रसन्नता फिर प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति होती रहती है। बारहो मास वहाँ पर आम के पेड़ से फल जो हैं वह गिरते हैं, संपूर्ण साधन जो है वह फूल के रूप में, बीज के रूप में और आम फल के रूप में माना गया है। लेकिन रसास्वादन करना सिर्फ आम को देख लेने से ही तो मन की संतुष्टि नहीं हो सकती है, जब तक है उसका रसास्वादन नहीं किया जा सके। ऐसी स्थिति में अनुकूल समय में ही आम की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सभी समय में बारहों मास वहाँ पर आम टप 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 के चूते रहता है। इसलिए हे जीव, तुम भी वहाँ पर नामामृत का पान करो, और उस फल के रसास्वादन कर करके दिव्य आनंद से परिव्याप्त हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने जो रसास्वादन किया है ना, जो आपने प्रवचन दिया, और यह आम के रस से कम नहीं है, और हम लोग जो है उस आम के रस का आनंद ले रहे हैं। सबसे आजकल आम का सीजन है, लेकिन असली आम तो आप दे रहे हैं, है ना, रसाम है ना, सबसे बड़ी बात रसा आनंद की अनुभूति हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अमर नाथ की यात्रा सबों की बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के प्रेम से वे स्वयं अमरनाथ जी साकार रूप धारण कर करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हम सब लोगों को प्रसन्नता से विभोर कर रहे हैं। इसलिए वास्तव में धन्यवाद के पात्र है, और स्वयं ये साधुवाद के पात्र है। एक बार प्रेम से बोलिए, संत कवि लक्ष्मी सखी बाबा।